डियर स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ सुमन यूनिवर्सिटी के एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग आईआर रीजन के बारे में जानेंगे और जो अलग अलग आईआर रीजन होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूजफुलनेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बताने में, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में जानना पड़ेगा और उस ग्रुप की सराउंडिंग क्या है, कौन से उससे ग्रुप जुड़े हैं, सब्सटेंस जुड़े हैं, वो सब हमें पता होने चाहिए। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड्स हैं जो हमें इस बारे में जानकारी देते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैथड फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से फंक्शनल ग्रुप आराम से बताया जा सकता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। आगे देखते हैं हम। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है ऑन एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ आईआर रेडिएशंस बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आईआर रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं, और आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि आईआर रेडिएशन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, और ये ग्रुप्स डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के दौरान या तो ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने हायर वाइब्रेशन लेवल में चले जाएंगे या हायर वाइब्रेशन लेवल में जा करके वापस आएंगे तो आईआर रेडिएशन को एमिट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो अलग अलग ग्रुप्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो अलग अलग आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से, किस एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट कर रहे हैं। और इस वजह से किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे, उन सबके वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे बहुत सारी लाइंस या बहुत सारे बैंड्स हमको मिलते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में। ये बात इंपॉर्टेंट है कि आईआर स्पेक्ट्रम में हर एक ग्रुप, हर एक बॉन्ड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स होती हैं, जिसकी वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का। इस स्पेक्ट्रम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अलग अलग ये वैलीज मिली है। यहाँ पे ये जो डेप्थ आ रही है, ये जो वैलीज है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, ये है, और ये जो जो डीप आ रहा है, ये एक्चुअली में पीक्स हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है उसमें एक्स एक्सिस में वेव नंबर होता है एंड वाई एक्सिस में ट्रांसमिटेंस होता है। ट्रांसमिटेंस हमें पता है ये रेसिप्रोकल होता है। ट्रांसमिटेंस के बारे में हमने बेयर लैम्बर्ट लॉ के में पढ़ा था। बाय डेफिनेशन ट्रांसमिटेंस को डिफाइन करा जाता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को जब पास करा जा रहा है और वो पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाती है तो ट्रांसमिटेंस 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने लाइन खींची है और ये ट्रांसमिटेंस 100% की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जो पीक्स आएंगी वो इससे नीचे की तरफ आएंगी, क्योंकि जब भी एब्जॉर्बेंस होगा तो ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा। जब भी आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करी जाएंगी तो ट्रांसमिटेंस में कमी आएगी, और जो इसका मिनिमा होगा, जैसे यहाँ पे हम ये मिनिमा देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे मिनिमा देख रहे हैं, ये मिनिमा एक पर्टिकुलर पीक को स्पेसिफाई करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इसके जो मिनिमा है उसे एक परपेंडिकुलर डालें अगर हम, तो ये परपेंडिकुलर जहाँ पे आएगा वो इस पीक की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आईआर रेडिएशन को इरेडिएट करा जाता है सैंपल के ऊपर, और यहाँ पे इरेडिएशन ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी अलग अलग वेव नंबर की आईआर रेडिएशन को एक साथ डाल दिया जाता है। होता क्या है एक्चुअल में कि एक एक करके अलग अलग आईआर रेडिएशन को डाला जाता है, अलग अलग वेव नंबर की रेडिएशन को डाला जाता है, और डिटेक्टर हर एक पर्टिकुलर वेव नंबर की रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, उसकी ट्रांसमिटेंस डिटेक्ट करता है, और उसकी ट्रांसमिटेंस को परसेंट ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट करता जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग रेडिएशंस जो ट्रांसमिटेड होती जा रही है उसकी ट्रांसमिटेंस नोट डाउन करता जाता है डिटेक्टर, और उसको हमें जो गिवन वेव नंबर था उसके साथ प्लॉट करके आईआर स्पेक्ट्रम की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया,
आईआर स्पेक्ट्रम में जो डीप होते हैं या जो वैलीज होते हैं ये एक्चुअल में पीक्स होते हैं। 100% ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ आईआर रेडिएशन का उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन हैं उनकी एनर्जी या उनकी फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन से कम है, या हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर बोलें तो आईआर रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होती है विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और अगर हम आईआर को माइक्रोवेव रेडिएशन से कंपेयर करेंगे तो आईआर की एनर्जी ज्यादा होगी माइक्रोवेव से या वेवलेंथ कम होगी माइक्रोवेव रेडिएशन से। जो आईआर रीजन है वो फर्दर डिवाइडेड होता है तीन सेक्शन में, जिसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना है। जो ये तीन पार्ट है आईआर रीजन के, इसमें पहला पार्ट जो है ये है नियर आईआर रीजन, और इसे ओवरटोन रीजन भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा रीजन है यह है मिड आईआर रीजन, और इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल रीजन भी बोलते हैं। और लास्ट रीजन यहाँ पर है फार आईआर रीजन। तो यहाँ पे मैंने जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और वेव नंबर वैल्यूज है इन रीजन की वो यहाँ पे प्रेजेंट करा है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो मिड आईआर रीजन होता है ये 4000 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, 200 से कम में फार आईआर रीजन होता है, और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा में नियर आईआर रीजन होता है। तो यहाँ पे हमें ये दो वैल्यूज का ध्यान रखना है, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 200 सेंटीमीटर इनवर्स। सो मिड आईआर रीजन 4000 से 200 के बीच में होता है, 200 से अगर हम और नीचे जाएंगे तो फार आईआर रीजन होगा, और 4000 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो नियर आईआर रीजन होगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो ये तीनों सेक्शंस हैं, तीनों रीजन हैं आईआर रीजन के, इन तीनों रीजन का क्या एडवांटेज है अलग अलग फील्ड्स में, और कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन तीनों रीजन का अपना इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग नियर आईआर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो नियर आईआर रीजन होता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इसकी रेंज 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो नियर आईआर रीजन में जो रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी 37 से 10 किलो कैलोरी पर मोल की रेंज में होती है, और ये जो एनर्जी होती है सफिशेंट होती है मॉलिक्यूल्स में जो ओवरटोन बैंड्स होते हैं या जो कॉम्बिनेशन बैंड्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट। सो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो CH ग्रुप होगा या NH ग्रुप होगा या OH ग्रुप होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे उसके अलावा जो ओवरटोन्स होंगे और जो कॉम्बिनेशन बैंड्स मिलेंगे वो इस रीजन में मिलेंगे। तो हम आराम से याद कर सकते हैं कि नियर आईआर रीजन में ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स मिलते हैं स्पेसिफिकली CH ग्रुप, NH ग्रुप और OH स्ट्रेचिंग ग्रुप के लिए। बट जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जो ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है, तो इसीलिए जो नियर आईआर रीजन है इसमें इन बैंड्स की जो इंटेंसिटी होगी ये कम होगी, और ये बैंड्स कहीं कहीं पे ओवरलैप भी कर रहे होंगे। तो इसलिए क्वालिटेटिव स्टडीज में पर्टिकुलर ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रीजन यूजफुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज भी है नियर आईआर रीजन का, क्योंकि यहाँ पे जो पीक्स होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं एक दूसरे से, तो इसलिए अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स मिले हुए हैं और ये हमें पहले से पता है कि अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में अलग अलग ग्रुप्स हैं या अलग अलग फंक्शन ग्रुप्स हैं, सो उन ग्रुप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्स देख करके हम उस कॉम्पोनेंट का कंसनट्रेशन या अमाउंट बता सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नियर आईआर रीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिक्सचर के लिए मिक्सचर कंपोजिशन को बता सकता है, यानी हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव स्टडीज या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम आईआर रीजन के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं मिड आईआर रीजन के लिए। सो मिड आईआर रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो सब एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ पीक्स मिलेंगी। हम लोगों ने फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर की क्लासेस में, तो हमको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंडामेंटल मोड्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोशंस। तो ये दोनों ही टाइप के मोशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एब्जॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल्स में अलग अलग ग्रुप्स के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट पीक्स यहाँ पर मिलेंगी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं कि जो मिड आईआर रीजन होता है इसकी रेंज अभी मैंने बताया था 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करें तो इस रीजन की जो एनर्जी होती है ये
10 से 1 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है और ये एनर्जी सफिशिएंट होती है टू कॉज वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इन ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स। मिड आयरन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है फॉर स्ट्रक्चरल इलिसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम आगे देखेंगे अभी जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग अलग पीक्स मिलती हैं आईआर स्पेक्ट्रम में और ये पीक्स की को जान करके पता लगा करके हम ये बता सकते हैं कि उस गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स मिलती हैं, जो पीक्स मिलती हैं उनको हम यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसीज बोल देते हैं और ग्रुप फ्रीक्वेंसीज को जान करके हम उन फंक्शनल ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कि जो मिड आयर रीजन होता है ये बेसिकली 4 सब रीजन में डिवाइडेड होता है, इसके फर्दर 4 टाइप पार्ट्स होते हैं। तो अब हम एक एक करके इन 4 रीजन्स को देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये एक टेबल की फॉर्म में इन 4 रीजन्स को डिस्क्राइब करा है। तो इसमें जो पहला पार्ट है, पहला रीजन है, ये है 4000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में। इसको बोला जा रहा है XH स्ट्रेचिंग रीजन। X यहाँ पर कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये पहला पार्ट है मिड आयर रीजन का। इसके बाद दूसरा पार्ट है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन में ऑब्वियसली एल्काइन्स का केस आएगा और नाइट्राइल्स का केस आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का केस आएगा एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन का केस आएगा और इसका रेंज हो रहा है 2500 से 2000 तक। तो ऑब्वियसली XH स्ट्रेचिंग के बाद ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन आएगा। नेक्स्ट रीजन यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन। डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन में अगर हम देखें तो इसकी रेंज शुरू हो रही है 2000 से 1500 तक। डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग ऑब्वियसली इसमें CO ग्रुप होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा और लास्ट पार्ट यहाँ पर है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन 1500 से 600 की रेंज में है। तो अभी हम लोगों ने ये जान लिया है कि जो आईआर रीजन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट था नियर आईआर रीजन, दूसरा पार्ट था मिड आईआर रीजन और तीसरा पार्ट था फार आईआर रीजन। अब जो मिड आईआर रीजन है उसके यहाँ पे हम फर्दर 4 पार्ट देख रहे हैं। मिड आईआर रीजन का पहला पार्ट है यहाँ पे XH स्ट्रेचिंग रीजन, दूसरा पार्ट है ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन, तीसरा पार्ट है डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन एंड लास्ट पार्ट है यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन। तो यहाँ पे सेपरेशन है ग्रुप फ्रिक्वेंसीज का इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये जैसे मैंने यहाँ शो करा है 4000 से 2500 XH के लिए, 2500 से 2000 तक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, 2000 से 1500 तक डबल बॉन्ड के लिए और उसके बाद फिंगरप्रिंट रीजन है 1500 से 600 तक। तो ऑब्वियस है कि अगर हमें 4000 से 2500 तक कोई पीक मिल रही है तो वो किसी XH ग्रुप की होगी। अगर 2500 से 200 के बीच में हमें कोई पीक मिल रही है तो ये किसी ट्रिपल बॉन्ड की होगी और 2000 से लेकर के 1500 तक के बीच में अगर कोई हमें पीक मिल रही है तो वो किसी डबल बॉन्ड की होगी। अब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, CO ग्रुप भी हो सकता है, CN C डबल बॉन्ड N भी हो सकता है। सो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं इसमें। जो मैंने अभी पहला रीजन बताया था यहाँ पे XS रीजन, जिसकी ग्रुप फ्रिक्वेंसीज रेंज जो थी ये 4000 से 2500 सेंटीमीटर के बीच में थी। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर CH ग्रुप, OH ग्रुप और NH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को ऑब्जर्व किया जाता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पीक्स हमें इस रीजन में मिलेंगी और जिसको मैंने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करा है। तो जो XS स्ट्रेचिंग ग्रुप फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पर, इसको हम देख रहे हैं कि जब CH ग्रुप होगा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यानी कि सिंपल एल्केन्स में, तो जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी रीजन होगा वो 3000 से 2850 के बीच में होगा और बैंड की फॉर्म में मिलेगा हमें, यानी कि यहाँ पे हमें ऐसे करके कोई शार्प पीक नहीं मिलेगी, हमको यहाँ पे ऐसे करके एक बैंड मिलेगा। सिमिलरली अगर CH ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें, कॉन्जुगेशन में होगा अगर ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या किसी तरह से किसी और ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप फ्रिक्वेंसीज हैं हम देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू बढ़ गई है। CH बॉन्ड जो हो गया ये बढ़ गया, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रुप फ्रिक्वेंसी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है इसकी वैल्यू अब 3100 से 3000 की रेंज में चला गया है और यहाँ पे अभी भी हमको एक बैंड मिलेगा। फिर अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे NH ग्रुप के लिए। तो जो NH ग्रुप है इसके लिए जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी रेंज हम देख रहे हैं ये है 3400 से 3300
की रेंज में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके लिए वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, पर यहाँ पर शार्प बैंड मिलेगा। शार्प बैंड मतलब यहाँ पे जो ब्रेथ होगी बैंड की वो रिलेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू सी एच ग्रुप के लिए जो हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज के बैंड मिल रहे हैं। लास्ट यहाँ पर है ओ एच ग्रुप। मैंने अभी बताया था कि एक्स एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन रीजन में तीन ही ग्रुप है, सी एच, एन एच और ओ एच। तो अब हम ओ एच के लिए देख रहे हैं, रेंज जो है ये 3700 से 3600 के बीच का है। और यहाँ पे हमें ब्रॉड बैंड मिलता है। ब्रॉड बैंड का मतलब है कि यहाँ पे हमें एक बड़ा बैंड मिलेगा इस तरह से कुछ। तो सिंपल है, ये जो बैंड्स की शेप है इनको देख करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सी एच ग्रुप तो होगा ही। सो हमें अब ये जो रीजन है सी एक्सेस रीजन जो है 4000 से 2500 के बीच का जो ये रीजन है, ये स्पेसिफिकली जो एन एच ग्रुप या ओ एच ग्रुप है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर सिस्टम में सी एच ग्रुप कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड है तो उसको भी हम यहाँ पर आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैंड की शेप देख करके। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें ब्रॉड बैंड मिलता है इस रीजन में जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है लास्ट में ओ एच के लिए 3700 से 3600 के बीच में, अगर हमें ब्रॉड बैंड मिलता है, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है वैल्यूज जो मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज हैं ये अलग अलग फैक्टर्स पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि वैल्यूज थोड़ी बहुत किसी बुक में आगे पीछे दे रखी हूँ, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ प्रेजेंट करी हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था अभी 3700 से 3600 के बीच में अगर हमें बैंड मिलता है, बड़ा बैंड मिलता है, तो ऑब्वियसली ओ एच ग्रुप होगा। अगर 3400 से 3300 के बीच में हमें बैंड मिलता है जो नैरो होगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि कंपाउंड में एन एच ग्रुप है। अब हम यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन रीजन है 2500 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन से ग्रुप ऑब्जर्व करेंगे। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी यानी एल्काइन्स एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन यानी नाइट्राइल्स का जो केस है वो होगा यहाँ पर। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग में हम देख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन्स का केस, टर्मिनल एंड नॉन कॉन्जुगेटेड। तो हमें जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीक मिलेगी ये 2250 से 2100 के बीच में मिलेगी, और ये एक वीक बैंड होगा यानी इसकी इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि इसकी हाइट कम होगी। मैं एक बार बता दूं कि वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने अभी आईआर स्पेक्ट्रम देखा था, मैं अभी एक बार ज़रा स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ आपको। ये जो हमने स्पेक्ट्रम देखा था ऊपर, तो इसमें अगर पीक हमें जो ये ट्रांसमिटेंस 100% की जो लाइन है इससे थोड़ी सी डेप्थ में मिलती है, इस तरह से मिलती है या इस तरह से पीक्स मिलती हैं, ऐसे करके पीक्स मिलती हैं, तो हम बोलेंगे कि वो कम इंटेंसिटी की पीक है या पीक स्मॉल है। अगर इसकी डेप्थ थोड़ी बढ़ जाती है या शार्प पीक है तो इसकी डेप्थ थोड़ी सी इस तरह से बढ़ जाती है तो ये मीडियम पीक हो जाएगी, और अगर इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी नीचे तक जाता है, जैसे ये वाली पीक है हम शो कर रहे हैं, ये काफ़ी शार्प पीक है, नीचे तक जा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग पीक है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी आईआर स्पेक्ट्रम में हमें जो पीक्स मिलती हैं वो तीन तरह से प्रेजेंट करी जाती हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और स्मॉल। तो पीक्स को देख करके हम आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो मीडियम होगा कि स्मॉल होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कि अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा, यानी कि इस ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो भी रेंज यही रहेगी लगभग, और यहाँ पे या तो बैंड नहीं मिलेगा या बहुत वीक इंटेंसिटी का, बहुत कम इंटेंसिटी का, बहुत स्मॉल इंटेंसिटी का हमें बैंड मिलेगा। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जो ट्रांसमिटेंस लाइन है अगर हम इस रीजन में देख रहे हैं और हमें एक हल्की सी पीक मिल रही है, ऐसे करके एक वीक पीक मिल रही है यहाँ पे, तो ये एल्काइन के लिए होगा। अगर कॉन्जुगेटेड एल्काइन भी है तो भी यहाँ पर जो वैल्यू हो जाती है ये, और यहाँ पे भी वीक बैंड हमें मिलेगा। तो इस रीजन में हम आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस रीजन में अगर हमें 2200 से 2100 के बीच में अगर हमें ट्रांसमिटेंस 100% के कॉरस्पॉन्डिंग एक बिल्कुल हल्की सी ऐसे पीक मिलती है, वीक पीक मिलती है या कम इंटेंसिटी की पीक मिलती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। इसी तरह से हम अब सी एन ग्रुप के लिए देख रहे हैं। तो सी एन ग्रुप के लिए अगर हमें एक मीडियम बैंड मिलता है
2,300 से 2,200 के बीच में, तो ऑब्वियसली ये सीएन ग्रुप के लिए होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 2,200 से 2,100 के बीच में अगर हमें एक वीक बैंड मिलता है तो मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा 2,300 से 2,200 के बीच में हमें एक मीडियम इंटेंसिटी का बैंड मिलता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ना हो, डीप बहुत ज़्यादा ना हो, मीडियम इंटेंसिटी का बैंड हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीएन ग्रुप होगा। अब हम इसमें जो डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन रीजन है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो डबल बॉन्ड है बेसिकली जनरली दो टाइप, तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर, एल्कीन्स में सी डबल बॉन्ड सी, कार्बोनिल कंपाउंड्स में सी डबल बॉन्ड ओ, और इमीन्स में सी डबल बॉन्ड एन। तो इसका रीजन अभी मैंने बताया था कि ये रीजन 2000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगा, और जो अलग अलग पीक्स मिलेंगे हमें वो मैंने यहाँ पे शो करी है कि अगर टर्मिनल नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा सी डबल बॉन्ड सी, तो इसकी वैल्यू अराउंड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स का अराउंड मिलेगा, और ये एक वीक बैंड होगा। अगर टर्मिनल नॉन कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, सॉरी डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सी डबल बॉन्ड सी है, तभी वैल्यू जो होगी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होगा। अगर हम सीओ ग्रुप की बात करें तो अगर ये नॉन कॉन्जुगेटेड सीओ ग्रुप है तो यहाँ पे 1850 से 1650 के बीच में हमें पीक मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको हमें याद रखना चाहिए कि सीओ ग्रुप के लिए जो हमें पीक्स मिलती है आयर रीजन में, ये 1850 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलती है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है। और अगर हम सीएन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 1650 के आसपास स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है। तो जैसे ये ट्रांसमिटेंस लाइन है, और हमको जो ये रीजन है 1850 से, ये बेसिकली जो ये सी डबल बॉन्ड एक्स का डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन जो था 2000 से 1500 के बीच में, अगर यहाँ पे हमें वीक बैंड मिलता है, कम इंटेंसिटी का बैंड मिलता है, तो वो सी डबल बॉन्ड सी के लिए होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी का बैंड मिलता है हमको, तो वो सीओ ग्रुप या सीएन ग्रुप के लिए होगा। और सीओ के लिए स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है कि 1850 से 1650 के बीच में हमें पीक मिलेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी की स्ट्रॉन्ग बैंड अगर मिलेगा तो सीओ ग्रुप होगा, ये कन्फर्म होता है यहाँ से। अब हम लास्ट रीजन की बात कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट रीजन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था अभी कि मिड आयर रीजन में जितने भी फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं उन सबका एब्जॉर्प्शन होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीक्स भी मिलती हैं। तो जो स्ट्रेचिंग मोड्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक्स होती हैं वो अभी तक हमने देख ली है। जो सिंगल बॉन्ड एक्सएच स्ट्रेचिंग के लिए था, ये अराउंड 4000 से 2500 के बीच में मिल जाता है। अगर अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे मैंने अभी बताया था कि 2500 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इसकी पीक्स मिल जाती है। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे 2000 से 1500 के बीच में इनकी पीक्स मिल जाती है। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग तरह के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेचिंग मोड होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक्स होंगे वो मिल जाती है। अब बच रहा है बेंडिंग मोड्स। हमें बताया कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स होते हैं उसमें दूसरा टाइप बेंडिंग मोड्स का भी होता है, और बेंडिंग मोड्स बहुत सारे हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो बहुत सारे मोड्स भी होंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी पीक्स मिलेंगी। तो जैसे कि ये रेंज दे रखी है 1500 सेंटीमीटर से कम में, सो 1500 सेंटीमीटर से कम अप टू 400 सेंटीमीटर तक जितने भी बेंडिंग मोशन होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीक्स मिलती है, क्योंकि एक किसी गिवन मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं तो बहुत सारे बेंडिंग मोशन हो सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम मिलता है। और एस सच पीक्स को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि ये वाली पर्टिकुलर पीक किस ग्रुप की वजह से आई है, किस ग्रुप के बेंडिंग मोशन की वजह से आई है। यानी कि इस रीजन में हम मॉलिक्यूल के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। यानी कि ये जो रीजन होता है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, इसका कोई रोल नहीं होता ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल इलेसिडेशन में। बट क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे, तो इस रीजन में जो ये स्पेक्ट्रम होता है ये यूनिक होता है पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। अगर हम अलग अलग कंपाउंड्स को देखेंगे तो उनका स्पेक्ट्रम इस रीजन में डिफरेंट होगा। यानी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रम इस रीजन में यूनिक होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये उसका फिंगरप्रिंट होगा।
और इस रीजन के स्पेक्ट्रम को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस रीजन में जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलेंगे ये बैंड्स यूनिक होंगे उस कंपाउंड के लिए, और इसलिए इस रीजन में जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा वो एज अ फिंगरप्रिंट हम यूज कर सकते हैं उस कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसीलिए इसी रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि फिंगरप्रिंट रीजन में बेंडिंग मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्स मिलती है। बहुत सारे बेंडिंग मोशन होने की वजह से बहुत सारी पीक्स मिलती हैं, बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं, जिस वजह से ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में इस रीजन का कोई रोल नहीं रह जाता। बट इस रीजन में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो यूनिक होता है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और उस स्पेक्ट्रम को हम एज अ फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, और इसीलिए इस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। अब आईआर रीजन का लास्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, फार आईआर रीजन। तो फार आईआर रीजन ऑब्वियसली मिड आईआर रीजन 400 सेंटीमीटर इनवर्स से 100 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये मिड आईआर रीजन के बाद आता है। इस रीजन की लिमिटेड एप्लीकेशन होती है इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड। बट इस रीजन की खास बात क्या होती है कि जो हैवी एटम्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, आयोडीन या जैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के या एब्लॉक एलिमेंट्स के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें पीक्स मिलती है, और ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन इस रीजन में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको एनालाइज करके करा जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हैवी आइटम्स लगे हों या क्रिस्टल लेटिस वाइब्रेशंस को अगर हमें स्टडी करना हो या मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस को अगर हमें स्टडी करना हो तो फार आईआर रीजन का यूज करा जाता है। हैवी आइटम्स यहाँ पे जैसे कि हैलोजन्स को, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, एब्लॉक एलिमेंट्स, और जो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर वाइब्रेशन होता है तो फार आईआर रीजन में हमें डिस्टिंक्ट पीक्स मिलती है जिनकी हेल्प से हम उन कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट आईआर रीजंस, और बेसिकली हमें जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रोल है वो ओवरऑल तो हमें समझ में आ गया होगा। अब हम डिटेल में कमिंग प्रेजेंटेशंस में देखेंगे कि जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किस रीजन में कौन सी वैल्यूज पे एब्जॉर्ब करते हैं और उनको कैसे कैरेक्टराइज करना है। थैंक यू।